हमें गोवा सरकार से निवेदन है कि हम लोग 21st सेंचुरी मटकई वायर रोड लिमिटेड होंडा गोवा काम करते हैं। हमारी फरवरी मार्च से पगार नहीं हुई है, हम लोग को खाना नहीं दिया जा रहा है, 1 किलो चावल दिया जाता है पगार के लिए, आज और कल बोला जाता है, आजकल कर करके हम लोग कितना दिन, हमारे घर पे माँ बाप नहीं है, हमें पगार नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, हम क्या करें सर, आप हमारी मदद कीजिए। हाँ, ये हमारी गोवा गवर्नमेंट सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद कीजिए, हमारे सब मान लो बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ भूखे मर रहे हैं, लाइट भी कट गया, प्लांट भी नहीं चला रहा है, और बोलता है मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, ऐसा केवल आज दूंगा कल दूंगा, ऐसा केवल बहाना बनाता है, 21 तारीख से बोल रहा है 22 को पगार दूंगा, 23 को दूंगा, अभी हम लोग का फरवरी मार्च अप्रैल मई का पगार नहीं हुआ है, हम लोग क्या करें सर, कहाँ जाएं, कुछ और की दिखाओ, किसी का पगार नहीं हुआ, 3 महीना से यार 1 महीना हो गया किसी का पगार नहीं हुआ है, बोलेगा तो बोलता मारेगा, हम लोग रजिस्टर मारेगा, हम लोग रजिस्टर सर, हमें बोला जा रहा है कि आप लोग को राशन मिल रहा है, राशन एक टाइम का राशन मिलने से क्या होता है, हमारे घर पे माँ बच्चे नहीं है, और बोलता है ज्यादा दादागिरी करोगे तो बिना पैसे को बाहर भगा दिया जाएगा, कुछ भी करना है तुम वो भी कर लो, क्या करेंगे सर, अभी हम लोग क्या करेंगे बताइए आप, गोवा गवर्नमेंट कुछ हमारे लिए मदद करे, हम यहाँ फंसे हुए हैं, हम सब यूपी बिहार झारखंड MP हर एक स्टेट के आदमी है, कहाँ जाएंगे सर, अभी ट्रेन भी नहीं चल रहा है, हमको खाने का भी नहीं है, और पैसा भी नहीं दे रहा है, क्या करेंगे सर, और छोटा छोटा बच्चा लोग है सर, घर में परिवार में मंजू ये लड़की बोलो डरने का नहीं, फांसी में नहीं चढ़ा देगा, पगार नहीं हुआ हमारे पास, खाने के लिए कुछ नहीं, हम लोग 21st कंपनी फोन मड़ गई, फंसे हुए हैं, हमारी पगार नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो